गुड आफ्टरनून एवरी वन लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्लिब्रियम और पावर वाला पार्ट किया था फिर उसके मैंने प्रॉब्लम किए थे अरे यहाँ पे यार वो लोग बाइक बहुत हाई स्पीड में चलाते रहते हैं ना ये बापू ब्रिज के आगे इसलिए कई बार आवाज आती रहती है तो देखो तो लास्ट टाइम होमवर्क जो दिया था मैंने एक और एक सेकेंड इंटेक्स एक्सरसाइज फोर दिया था फाइव दिया था सॉरी फाइव में बताओ कोई डाउट है फिफ्थ वाला फोर्थ वाला अब सिद्धेश कोई चीज ऊपर फेंका फिर वापस नीचे आ गया तो टोटल वर्क डन कितना हुआ ग्रेविटी ने कितना वर्क किया तो वर्क जीरो हुआ तो वर्क अपॉन टाइम कितना आएगा पावर भी कितना आएगा चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं पहले हम लोग फोर्थ में देखो क्या है अब ब्लॉक ऑफ मास अलाउड टू स्लाइड डाउन फिक्स स्मूथ इन प्लेन आप इंक्लिनेशन थीटा एंड एंगल एल द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप देखो आपको ऐसा दिया हुआ है फोर्थ में एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है और इसकी लेंथ कुछ एल दी हुई है इस पे एक स्मूथ सरफेस पर एक मास ऐसे रख दिया गया ना ये स्मूथ है ना फिक्स्ड इनक्लाइन प्लेन है तो अब ये स्लिप करके नीचे जाएगा तो इसको नीचे जाने में टाइम कितना लगेगा यहां से यहाँ आने में टाइम कितना लगा <coughs> इधर को एक्सेलरेशन पता है आपको एक्सेलरेशन कितना होता है इनक्लाइन प्लेन पे स्मूथ इनक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन यही आएगा ना जी थीटा सही है सबको क्लियर है डिस्प्लेसमेंट और शुरू कितने स्पीड से होगा जीरो स्पीड से और कितना डिस्प्लेसमेंट होना है एल तो हम इसमें लिख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्स की वैल्यू कितनी डालेंगे एल जो भी नीचे को है सबको साइन कन्वेंशन नीचे को प्लस ले ले रहे हैं ना इस एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना सब एक ही डायरेक्शन में है तो उधर ही प्लस ले लिया u की वैल्यू जीरो a की वैल्यू जी साइन थीटा तो इससे टाइम आ गया 2L में G sin theta. फिर next है हमें एवरेज पावर, पावर. पावर चाहिए तो टाइम क्या -क्या तो, तो हमने निकाल दिया टोटल वर्क बता सकते हो यहाँ से यहाँ आया तो ग्रेविटी का हमें पावर चाहिए ना केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया यहाँ से यहां आने में एम जी एल साइन थीटा राज तुझे समझ आ रहा है तू नहीं पूछा डाउट राज सलोनी ग्रेविटी का वर्क कितना होगा अगर वो यहां से यहाँ आया तो नीचे कितना आया है नीचे को एल साइन थीटाया ना ये अगर एल है तो ये हाइट कितनी आएगी एल साइन थीटा और एम जी नीचे को फोर्स लग रहा है तो फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में डिसप्लेसमेंट एल साइन थीटा तो हम बोल सकते हैं वर्क हो रहा है एम जी इंटू एल साइन थीटा अपॉन में ये टाइम की वैल्यू यहां पे डाल दो टाइम निकाल रखा है आ जाएगा समझ आया फोर्थ फिफ्थ चेक करता हूं अभी मुझे पता नहीं चेक करता हूं चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फिफ्थ देखो बोला गया है वाटर इज फॉलिंग ऑन ब्लेड्स ऑफ़ अ टर्बाइन फ्रॉम अ हाइट ऑफ़ फिफ्टी मीटर ठीक है हंड्रेड के जी ऑफ वाटर फॉल्स ऑन द्लेड इन वन सेकेंड इफ द होल इनर्जी इज ट्रांसफर टू द टर्बाइन वॉट इज द पावर डिलीवर्ड टू द टर्बाइन देखो आपको ये बोला जा रहा है कि कोई टर्बाइन ऐसे है ना वो इसके ऊपर से पानी गिर रहा होगा ना तो ये घूमता होगा ना टर्बाइन पे जब गिर रहा होगा तो उससे पावर जनरेट हो रहा है ना, पावर प्लांट में ऐसे ही करते हैं ना पानी गिराते हैं वो और टर्बाइन घुमा करके करते हैं तो देखो यहाँ पे बोला गया हंड्रेड के जी वॉटर फिफ्टी मीटर की हाइट से गिराया गया अगर हंड्रेड के जी वाटर फिफ्टी मीटर की हाइट से गिराया गया तो यहां से यहाँ गिरने में क्या हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा और वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में ना तो वही एनर्जी क्या हो रही है इसमें पावर में कन्वर्ट हो जा रही है तो यहां से लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक फिर वो काइनेटिक इसमें चली गई इस टर्बाइन को घुमाने में चली गई ना तो आप सीधे क्या कर सकते हो जितना नीचे आने में लॉस हुआ है वही आप बोल दो पावर होगा ना क्योंकि तो वही सब एनर्जी जा रही है ना एम जी एच नहीं, जितना गिर रहा है बोला जा रहा है वो सारी एनर्जी टरबाइन में चली जा रही है ना होल एनर्जी ट्रांसफर टू द टरबाइन तो अब वो कितना एनर्जी देगा टरबाइन अब इसको कर लो सॉल्व ये कितना जाएगा फाइव इंटू टेन के पावर फोर ना मतलब तब फिफ्टी किलो वार्ट. ठीक है फिफ्थ क्लियर है सबको नेक्स्ट सेवन देखते हैं अब पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस यू दिया हुआ है आपको ना और यहां पे यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है तो यहाँ पे फोर्स किधर किधर होगा अगर u जो है x का भी फंक्शन है y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है तो फोर्स यहाँ पे किधर किधर आएगा x में भी आएगा y में भी आएगा z में भी आएगा ना ध्रुविल यार ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ये क्यों पूछ रहा है x वाला फोर्स निकालने के लिए क्या करेगी माइनर डेल यू बाई डेल एक्स कर देंगे ये वाला टर्म से आ जाएगा माइनस फोर एक्स ना ये सब कांस्टेंट है एक्स के लिए तो जीरो हो जाएगा सेम वे में ऐसे वाई कंपोनेंट निकालो जेड निकालो बस एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दो नेक्स्ट एक्सरसाइज वन का एटीन देखो जो एक्सरसाइज वन में एटीन वाला बोला गया है वो अभी करने के लिए नहीं है ये हम लोग आगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो अभी आ गया है तो आप याद रख सकते हो कि जो ए ऑप्शन है वो वाला ग्राफ होता है कोई भी मटेरियल में दो एटम के बीच में यू और आर के ग्राफ के लिए ना, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ना अभी के लिए आप छोड़ सकते हो ये क्वेश्चन फिर नेक्स्ट कौन सा है सिक्सटीन सिक्सटीन देख लो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर फॉर एन वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव फील्ड इज सोन फोर्स एट ए एंड बी हमें ए और बी पे फोर्स बताना है तो देखो आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स होगा मतलब जो भी डिफरेंसिएशन आएगा उसके आगे माइनस लगना है यहाँ पे सब कुछ एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स की बात हो रही है ना एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो जब ग्राफ में स्लोप निगेटिव होगा तो वहां पे फोर्स क्या आएगा इस पॉइंट पे फोर्स पूछा गया तो यहाँ का स्लोप क्या हो रखा है निगेटिव है ना टेंजेंट का स्लोप तो अगर ये ड्यू बाई डी एक्स अगर du यू बाई सॉरी अगर du यू बाई डीएक्स निगेटिव है तो निगेटिव के आगे निगेटिव लगेगा तो वो प्लस में हो जाएगा ना तो इस पॉइंट का जो फोर्स होगा ए पे फोर्स वो प्लस में आएगा और b पे अगर आप देखोगे तो b पे टेंजेंट का स्लोप बनाओगे तो वो पॉजिटिव आएगा तो b के लिए यहाँ पे पॉजिटिव के आगे निगेटिव लगाए ना तो वहां पर यह निगेटिव हो जाएगा सर समझा क्या क्या बोल रहा हूँ ये वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस में यू और एक्स का रिलेशन दिया था ना तो उसको देख करके हमें फोर्स का डायरेक्शन बताना था नेक्स्ट 19 ध्रुविल तूने यार यू और आर का रिलेशन समझा नहीं लग रहा है देख तुझे बोला गया है कि आर की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ़ जब जीरो है, तो आपको यू दिया हुआ है तो डी यू बाई डी आर कर दो बराबर जीरो के कर दो तो उससे आर का रिलेशन आ जाएगा ए और बी के टर्म में यू को डिफ्रेंशिएट कर दो बस और बराबर जीरो के कर दो फोर्स जीरो चाहिए ना तो उससे हो जाएगा थ्योरी रिवाइज किया था द्रविल तो तू ने सही से क्योंकि ये तो स्ट्रेट वाले पूछते रहे तू बार बार 19 देखो तब फॉर पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू टू आर इज ना कुछ मान लो पी से क्यू जा रहे हैं क्यू से आर जा रहे हैं पी से Q जाने का वर्क हुआ फाइव जूल Q से आर जाने का हुआ टू जूल वर्क डन इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पी टू आर तो हमें पी टू आर जाने का वर्क तो कितना होगा ठीक है समझो हमें पी से आर जाने का वर्क चाहिए डायरेक्ट अगर हम जाते हैं तो कितना होगा बता सकता है कोई कितना होना चाहिए आप अगर मान लो इस पाथ से वर्क निकालते हो ये मान लो पाथ वन है और ये पाथ टू है तो पाथ वन से जाने का वर्क कितना आ रहा है फाइव प्लस टू सेवन और आपको पता है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हर एक पाथ के लिए वर्क कितना होता है हर एक पाथ के लिए वर्क क्या होता है कंजर्वेटिव में सेम होता है ना तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट जाएंगे तो सेकंड पाथ का भी वर्क सेम आएगा ना सेवन डू प्रणव समझ गया हाँ नॉट डिपेंड ऑन पाथ ठीक है नेक्स्ट बताओ आप फोर्टी एट 48 देखो अ कार ऑफ मास m इज ड्रिवन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड अगेंस्ट अ एक्सटर्नल अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स r व्हेन वेलोसिटी ऑफ कार इज v द रेट एट विच इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क विल बी तो हमें बताना है कि इंजन कितना वर्क कर रहा होगा ये बताना है ना देखो यहां पर कार एक्सेलरेट कर रहा है ना कार अगर एक्सिलेट कर रहा है तो यहां पे क्या हो रहा होगा कुछ रेसिस्टिव फोर्स है ना कुछ रेसिस्टिव फोर्स है उसके वजह से रेसिस्टिव फोर्स की वैल्यू कुछ आर दी हुई है ना और इंजन जब घुमा रहा होगा तो इंजन के वजह से इस पे फ्रिक्शन आ रहा होगा वो उसको आगे ले जा रहा होगा ना तो आगे को फोर्स कितना लग रहा है एफ तो ये जो आगे को फोर्स लग रहा है एक तरह से हम इसको मानेंगे यही इंजन का फोर्स है ना इंजन के वजह से वो लग रहा है तो और ये आगे को कितने एक्सिलेशन से जा रहा है ए एक्सिलेशन से जा रहा है ना तो आप बोल सकते हो एफ माइनस आर बराबर एम इन टू ए तो इससे इंजन के वजह से कितना फोर्स लगना चाहिए ना एक तो इंजन रेसिस्टिव फोर्स को अपोज कर रहा है प्लस एक्सेलरेशन दे रहा है तो इन दोनों को मिलाकर के इतना फोर्स लगना चाहिए ना इंजन के वजह से है कि नहीं अब इंजन कितना वर्क कर रहा है हमें ये निकालना है ना रेट एट विच इंजन इज डूइंग वर्क रेट मतलब पावर निकालना है ना रेट ऑफ वर्क डन तो पावर निकालने के लिए क्या करोगे f v कर दोगे ना रेट ऑफ वर्क डन उठ गया मतलब dw dt समझ आया सभी को क्या बोल रहा हूं श्रेयस देखो उसमें मैंने हमेशा क्या बोला है जब भी मेंशन नहीं किया जाएगा तो हमेशा कौन सा बताना रहता है इंस्टेंटेनियस ना रेट ऑफ वर्क डन बोला गया है और ये नहीं बोला गया एवरेज तो मतलब कौन सा बताओगे इंस्टेंटेनियस ना जब भी मेंशन नहीं होगा हमेशा इंस्टेंटेनियस बताते हैं चाहे वेलोसिटी हो गई पावर हो गया सलोनी डाउट तेरा समझा नहीं क्या बोलना चाह रही है है तो निगेटिव करेगा ना नहीं नहीं ये हमें इंजन का चाहिए ना रेसिस्टिव फोर्स का तो निगेटिव होगा इंजन कितना लगा रहा है इंजन देखो आगे को ए लगा रहा है और ये आगे को वी से जा रहा है तो इंजन को एक तो एक्सलरेट तो करना और एक रेसिस्टिव फोर्स को अपोज करना है ना तो एक तो रेसिस्टिव फ... फोर्स की वैल्यू कितनी होगी रेसिस्टिव फोर्स का प्लस एम ए ना ये आगे को लग रहा है ना इंजन का फोर्स हमें रेसिस्टिव फोर्स का पावर नहीं चाहिए इंजन के फोर्स का पावर चाहिए नेक्स्ट फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर में देखो क्या है फोर्स इज done बिलो वर्क डन up to टाइम टी देखो यहाँ पे हमें P दिया है ना फंक्शन ऑफ टाइम हमें बताना है वर्क डन द फोर्स टू टाइम टी कितना होगा जहां पे टी क्या है लेस देन इक्वल टू टी नॉट तो देखो इसमें बोला गया है कि आपको पावर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे तो ये जो पावर और टाइम का ग्राफ है पावर हमें क्या बताता है रेट ऑफ वर्क डन पावर हमें क्या बताता है रेट ऑफ वर्क डन तो अगर आपको वर्क निकालना है तो वर्क के निकालने के लिए क्या करोगे पी इंटू डी टी को इंटीग्रेट करोगे मतलब इसके अंडर का एरिया हमें क्या देगा पावर और टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या देगा वर्क देगा ना अब देखो ये जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो पूरे टाइम पे ये एरिया बढ़ रहा है कम हो रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं ये एरिया बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है ना तो वर्क भी लगातार क्या होता जा रहा होगा ऑलवेज इंक्रीजेस ना ना देखो हमें कई बार ऐसा लगता है कि पावर कम हो रहा है पावर कम हो रहा है पावर कम हो रहा है मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क कम हो रहा है लेकिन वर्क तो हो रहा है ना पहले मान लो एक सेकंड में दस जूल वर्क हुआ अगली बार एक सेकेंड में पांच जूल वर्क हुआ तो पांच जूल तो हुआ ना वर्क तो हो ही रहा है ना तो वर्क थोड़ी कभी कम होना शुरू हुआ रेट ऑफ वर्क डन कम हुआ है वर्क तो लगातार होता ही जा रहा है ना समझो ना वर्क तो आपको पूरा वर्क बताना है ना पूरे वर्ग में तो लगातार नया एरिया ऐड ही होता जाएगा ना हाँ एरिया में से बढ़ रहा है फिफ्टी अब ये एक और देख लो फिर हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं इलुस्ट्रेशन भी है क्या एक सेकंड रुको 50 कर लें तो पहले अब ब्लॉक ऑफ मास एम इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अबे 50 वही सेम क्वेश्चन है जो 48 है सीधे सब हो जाएगा जैसे 48 किया वैसे 50 कर ले सेम है बस लैंग्वेज चेंज है सब कुछ सेम है इलस्ट्रेशन ऑन 28 एक मिनट देखो तो इसमें यह बोला गया है 28 में की, वो कहा से कहा तक रहेगा ना उसमें पार्टिकल बोला गया है कि वो प्लस माइनस टू तक ही जाएगा केवल क्वेश्चन तो में बोला गया कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जब वो एक्स इक्वल टू प्लस टू पे जाएगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा और जैसे ही जब एक्स इक्वल टू माइनस टू पे जाएगा तो रिटर्न हो जाएगा मतलब वो इनके बीच में मूव करता रहेगा ना इसके आगे नहीं जाएगा इसके इधर नहीं जाएगा चलो नहीं समझ मैं क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टिकल रिटर्न टर्स बैक वेन रीचेज प्लस टू या माइनस टू मतलब वो प्लस टू माइनस टू के बीच में ही है ना तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि वो कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा तो ऐसा हम लोगों ने देखो एक क्वेश्चन किया था मैंने क्या बोलता है था हमेशा जो k होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और k को आप क्या लिख सकते हो ई माइनस यू ग्रेटर टू जीरो तो e शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन u E की वैल्यू डाल दो e कितना दिया जूल, और K की वैल्यू कितनी है, है सॉल्व e करोगे तो, तो कितना मतलब फोर ये समझ आया एक्स स्क्वायर अगर लेस देन फोर है तो एक्स कहां से कहां तक होगा माइनस टू से प्लस टू के बीच में होगा ना ना तो इसका मतलब ये इन्हीं दो पॉइंट के बीच में ही चल सकता है ना उसके आगे जा ही नहीं सकता है ना आप इनका मेथड मत देखो ना जो जैसे हम लोगों ने किया वैसे करो थर्टी वन देख लो एलुस्टेशन ये हमारा इलुस्टेशन नंबर था कौन सा था इलुस्टेशन नंबर जो अभी किया ट्वेंटी एट नेक्स्ट है एलुस्टेशन नंबर थर्टी वन थर्टी वन में देखो क्या है आई स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ वॉस्टी ंगलेंटलिटी डाइम टी तो टी टाइम में ग्रेविटी का एवरेज पावर चाहिए और इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम टी वेट टी टाइम ऑफ फ्लाइट और कोई टाइम टी का हमें इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए एक प्रोजेक्टाइल को हमने ऐसे वेलोसिटी वी से एंगल थीटा पे फेंका हुआ है ना यू मान लेते हैं कुछ यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे फेंका तो टी टाइम का एवरेज पावर टी टाइम में वो कहा पहुंचा होगा कहीं पे भी मान लो यहां पहुंचा है टी टाइम में तो टी टाइम में ये कुछ हाइट तक गया होगा तो टी टाइम में कितना वर्क होगा चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो ग्राउंड से तो हाइट पे होगा ना टी टाइम बाद तो ग्राउंड से टी टाइम बाद उसकी हाइट कितनी बोलोगे ना आप यहाँ पे क्या करोगे एक्स और वाई दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे ना एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है यू थीटा और वाई डायरेक्शन में कितनी है यू साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में यू थीटा वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है नहीं है वाई में एक्सीलरेशन है माइनस जी तो टी टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा वाई की वैल्यू कितनी हो रखी है टी टाइम में एच ना y की वैल्यू कैसे निकालोगे यूटी वाई डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे y की वैल्यू यू एच है ये u साइन थीटा ये माइनस जी है ना हाइट आ गई t टाइम में तो t टाइम में ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा क्या t टाइम में ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा ग्रेविटी का फोर्स नीचे को लग रहा और को है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर को तो माइनस एम जी एच ना फोर्स तो हमेशा ग्रेविटी का नीचे ही लगा होगा ना और हाइट ऊपर को बढ़ी है यहाँ पे एच की वैल्यू डाल दो तो ये वर्क आ जाएगा और एवरेज पावर के लिए क्या करोगे वर्क डन टी टाइम तक का अपॉन में टाइम टी तो टी के टर्म में बताने ही है तो टी को टी लिख दो हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू डाल दो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी का और टाइम टी से डिवाइड कर दो समझ आया हो सलोनी हो सकता है तो देखो थोड़ा प्रोजेक्टाइल नहीं आता हो इसलिए तुझे डाउट हुआ हो ये क्वेश्चन ना प्रोजेक्टाइल कर लेगी तो हो जाएगा क्लियर और ग्रेविटी का वर्क केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा ना हॉर्जेंटल से मतलब नहीं है फिर आपको पूछा गया इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप क्या क्या सोच सकते हो यहां पे हमने देखो इधर को एक्स एक्सिस लेते हैं इधर को y एक्सिस ना तो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए आप क्या सोच सकते हो कोई भी टाइम पे उस टाइम का फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट फोर्स हमेशा कितना है यहाँ पे ग्रेविटी का पावर चाहिए ना तो कितना है mg और किधर है नीचे को मतलब माइनस j कैप mg किधर है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ लग रहा है ना तो कितना बोलेंगे माइनस j कैप मल्टीप्लाई करेंगे और वेलोसिटी कोई भी टाइम पे कितना बोलोगे x वाली तो हमेशा यही रहेगी u cos थीटा और वाई वाली कितनी हो जाएगी t टाइम बाद y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी u बादशन करोगे ना u कितना है u की वैल्यू माइनस जी इन टू टी ये t टाइम बाद की वेलोसिटी है ना और ये y डायरेक्शन में इसलिए इसमें j मल्टीप्लाई करेंगे u साइन थीटा माइनस जी टी जे कब तो ये हमने कोई टी टाइम पे वेलोसिटी लिख दी फोर्स पता है वेलोसिटी पता है पावर से ये तो आप क्या करोगे डॉट प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा जे का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा ना आई का तो है ही नहीं है यहाँ पे जे का जे के साथ कर दो तो माइनस एम जी इन टू यू साइन थी माइनस जी टी ना ये हमारा कोई टी टाइम का पावर हो गया इंस्टेंटेनियस पावर कुछ चमका क्या ये सब वही है सलोनी प्रोजेक्टाइल है तू प्रोजेक्टाइल कर ले तो हो जाएगा क्लियर ये सब कुछ नहीं था क्वेश्चन में केवल फॉर्मूला लगाना था और वो प्रोजेक्टाइल का यूज करके वैल्यू डालनी थी फिर अब 53 थ्री अब ये लास्ट है ना बस हो गया आज का डाउट अब आगे पढ़ाने देना 53 एक और बता देता हूं नोट करना है क्या ये फिफ्टी थ्री में देखो क्या है कोई आदमी है जिसका मास सॉरी के जी है वो कोई स्टेयर पंद्रह को सेकंड में दौड़ के ऊपर पहुंच जाता है और कोई दूसरा पर्सन है उसका भी मास के जी है लेकिन वो बीस सेकंड में पहुंचता है तो उनके रेशियो ऑफ पावर अब देखो टाइम इंटरवल दिया और रेशियो ऑफ पावर पूछा है तो इससे हम यही सोचेंगे कि एवरेज पावर की बात चल रही है न? जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में एवरेज पावर दोनों का है उनका रेशियो चाहिए तो कोई भी आदमी को ऊपर जाने में कितना वर्क करना पड़ता है अगर उसका मास है मैं तो उसको खुद को ऊपर पहुंचाना है ना तो केवल वर्क किसके अगेंस्ट में होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही होगा ना ऊपर जाने में नॉर्मल तो कोई वर्क करेगा नहीं फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा नहीं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ग्रेविटी वर्क करेगा वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा माइनस एम जी एच है क्योंकि ग्रेविटी नीचे को लग रहा है और फोर्स ऊपर को है तो इतनी एनर्जी ग्रेविटी ले रहा है ना तो आदमी को कितना देना पड़ेगा आदमी को इतनी एनर्जी अपने मसल से देनी पड़ेगी ना तो वर्क डन बाई पर्सन कितना बोलोगे प्लस एम जी एच ना आदमी के अंदर से इतनी एनर्जी आई होगी तो जाके वो ऊपर चढ़ पाया होगा और उसका पावर चाहिए तो क्या करोगे एमजीएच अपॉन में टाइम कर दोगे अब आपका एम सेम है जी सेम है हाइट सेम है पी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी है ना पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी आज दोनों आदमी का मास सेम है ना तो पी वन बाई पी टू कितना बोलोगे टी टू बाई टी वन टी टू टी वन की वैल्यू डाल दो ट्वेंटी अपॉन में फिफ्टीन फोर बाई थ्री ठीक है तो फिर अब डाउट हो गए कंप्लीट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सर्कुलर मोशन का पार्ट है जिसमें वर्क इनर्जी वगैरह थोड़ा यूज होगा इसलिए हम लोग अब इसको एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन हाँ आज ये हो जाएगा चैप्टर फिनिश देखो तो सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन में, में हम दो टाइप के केसेस पढ़ेंगे एक केस होगा जिसमें हम कोई स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच करेंगे उसके एक एंड को फिक्स कर देंगे और वर्टिकल ये कोई मान लो नेल पे स्ट्रिंग फिक्स है ना और थ्रेड से एक पार्टिकल अटैच किया और इसको स्पीड देंगे तो अब ये यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा ना यहाँ पे स्ट्रिंग है ना और स्ट्रिंग आपको पता है स्लैक पड़ सकता है ना तो हो सकता है वो कुछ यहां तक जाए फिर गिर जाए ऐसा भी हो सकता है और एक दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें हम बीच में रॉड लगा देंगे और एक पार्टिकल होगा और इसको फिक्स कर देंगे अब इसको स्पीड इस देंगे तो रॉड स्लैक नहीं पड़ सकता ना ये या तो जाएगा और फिर वापस आएगा या फिर पूरा सर्कल घूम जाएगा ना रॉड बीच से स्लैक नहीं हो सकता ना तो हमें इन दो केसेस पढ़ने हैं तो ये वाला केस तो बहुत सिंपल होता है ये लास्ट में पढ़ लेंगे यही वाला दिक्कत है क्योंकि इसमें बीच से गिरने का भी चांस रहेगा ना दोनों में डिफरेंस क्या है रॉड स्लैक नहीं पड़ सकता लेकिन ये स्लैक पड़ सकता है ना स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग स्लैक ना पड़े तो उसके लिए क्या होना चाहिए अगर स्ट्रिंग स्लैक ना पड़े तो उसमें हर टाइम पे टेंशन होगा तभी ऐसा होगा ना अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो बोल सकते हो ना स्ट्रिंग नहीं पड़ी है अगर ये स्लैक नहीं पड़ी है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए ये फिर सर्कल कंप्लीट कर सकता है ना बीच से गिरेगा नहीं तो हमें अब यहां पर हाँ वही से वही बता रहा हूं एक मिनट अब देखो हमें यहां पे तीन चीजें देखनी है एक तो अगर हम एकदम धीमे से वेलोसिटी दे दें अगर हम धीमे से वेलोसिटी दे दें तो ये क्या होगा यहीं पे ऐसे ऑसिलेट करेगा ना अगर आपने हल्का सा स्पीड दिया तो ओसीलेट करेगा थोड़ी और स्पीड बढ़ाओगे और ज्यादा दूर तक ओसिलेट करेगा ऐसे स्पीड बढ़ाते जाओगे तो यहाँ तक आएगा इसके लेवल तक आ जाएगा ओसिलेट करते हुए उससे ज्यादा स्पीड दिया तो फिर वो बीच से गिर जाता है और स्पीड दोगे तो और ऊपर तक जाके गिरेगा और स्पीड दोगे और ऊपर तक जाके गिरेगा और एक इतनी स्पीड पे क्या होता है वो सर्कल कंप्लीट हो जाता है समझ आ रहा है स्पीड बढ़ाते जाओगे तो शुरू में ओसिलेशन होता है ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे तो बीच से गिर जाएगा और बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो सर्कल कंप्लीट होने लगेगा सबको ये बात फीलिंग आ गई सही से, से तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग मास सिस्टम है और केवल ओसिलेशन कराना है तो कितनी स्पीड देनी चाहिए न तो हम लोग अब पहला जो देख रहे हैं हम ये स्ट्रिंग और पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं ना रॉड वाला केस लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये इजी होता है आराम से समझ आ जाएगा हम लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग एंड पार्टिकल वाला केस चलो नहीं अभी दो मिनट रुको ना अभी समझ आ जाएगा ना थोड़ा देर रुको देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए पहला इसमें हम इस पढ़ रहे हैं कंडीशन ऑफ ओसिलेशन कब तक ये ऑप्शिलेट करेगा ना तीन चीजें देखो यहां हो रही हैं। एक तो ओसीट हो रहा है दूसरा बीच तक गया फिर गिर गया ना थोड़ी दूर तक ऐसे स्ट्रिंग के साथ गया सर्कुलर मोशन करता हुआ फिर गिर गया दूसरा चीज ना और तीसरा क्या है सर्कल कंप्लीट हो रहा है समझ आ रहा है सभी को तीन चीजें हो रही यहाँ पर अगर वो ओसिलेट हो रहा है तो ओसिलेट हो रहा है तो वो क्या हो रहा होगा सर्कुलर आर्क पे चल रहा है ना सर्कुलर आर्क पे चल रहा है ना और सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो भी वो सर्कल वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो ओसिलेशन में वो सर्कुलर पाथ पे चलता है सर्कल पाथ कंप्लीट होने में भी वो सर्कल में चलेगा और बीच से अगर गिर जाएगा तो जब बीच से गिरता है तो उसमें वो सर्कुलर पाथ छोड़ देता है ना तो हमें यहाँ पे तीन केसेस पढ़ने हैं एक तो केस कंडीशन फॉर ओसिलेशन दूसरा कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन ये दो केस आ जाएंगे तो तीसरा केस अपने आप आ जाएगा कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल कब वो सर्कल छोड़ देगा तो हम ये तीन केसेस देखने जा रहे हैं ना तो हम पहला केस देख रहे हैं इसमें कंडीशन फॉर ओसिलेशन अगर आपको चाहिए कि यहां पे एक पार्टिकल को हमने यहां पे फिक्स कर दिया और अंडर ग्रेविटी हम वर्टिकल प्लेन में ओसिलेट करा रहे हैं तो हम इसको अगर स्पीड देंगे तो वो कुछ दूर तक जाएगा फिर वापस आएगा ऐसा हम कहां तक कर सकते हैं जब तक वो यहां तक ना आ जाए अगर हमने स्पीड दी और वो इसके सामने वाले पॉइंट तक आ गया तो तब और स्पीड यहां आते आते जीरो हो गई तो फिर से वो वापस क्या होगा गिरेगा और वापस ऐसे ही पाथ पे चला जाएगा अगर हमने उसको स्पीड दी तो वो यहां तक आया और स्पीड जीरो हो गई तो फिर वापस गिर जाएगा ना अगर सेंटर को हम मान लो ओ बोलते हैं ये पॉइंट कुछ ए है ये बी तो वो बी तक आना चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा बी तक अगर और ज्यादा स्पीड दी बी क्रॉस हुआ अगर बी क्रॉस हो गया और फिर स्पीड जीरो हो रही है तो क्या ओसिलेशन हो पाएगा कहीं यहां पर अगर मैं स्ट्रिंग से एक पार्टिकल अटैच करूं और स्पीड जीरो कर दू तो क्या होगा सीधे नीचे गिरेगा ना जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी तब तक वो ओसिलेट नहीं कर पाएगा ना और यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा यहां से छोड़ूंगा ऐसे स्ट्रिंग की लेंथ पूरी स्ट्रेट रख के तो फिर वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे जाएगा नहीं यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा वो जब गिर रहा होगा स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी ना कहां तक स्लैक रहेगी यहां तक यहां आने के बाद फिर से स्ट्रिंग टाइट होगी अगर मैं यहां से छोड़ता हूं तो बीच में स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी ना अगर ऐसे आप इस थोड़ा यहां से ले जाओ पार्टिकल को छोड़ दो तो देखो वो स्ट्रेट गिरेगा फिर टाइट होगा फिर इधर जाएगा वो लेकिन यहां से ले जाके छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा मतलब आप यहाँ पे पॉइंट ए पे जब स्पीड दो तो कितनी स्पीड देनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा इतनी दे सकते हो कि वो बी तक जाए ना बी के आगे ना जाए तभी वो ऑसिलेशन होता रहेगा ना बी के पहले रुकेगा तो भी आ जाएगा वापस समझो ना बी के पहले भी रुकेगा तो भी वापस आ जाएगा ना अगर यहाँ पे एक पार्टिकल को मैं ऐसे रख के छोड़ दूं तो क्या होगा ऐसे छोड़ूंगा तो इधर को ही जाएगा ऐसे सर्कुलर पाथ पे ना ऐसे नीचे नहीं गिर सकता अभी स्ट्रिंग टाइट रहेगी ना तो मेरे को इतनी स्पीड देनी है कि कम से कम वो बी तक मतलब ज्यादा से ज्यादा बी तक जाए ना बी के आगे ना जाए ना तो ए पे मैं, मैं मैक्सिमम स्पीड निकालू मैक्सिमम स्पीड ए पे कब आएगी जब वो बी तक जा रहा होगा ना उससे कम करूंगा तो पहले ही लौट आएगा तो ऑसिलेशन के लिए मैक्सिमम स्पीड ए पे कितनी होनी चाहिए वो तब होगी जब वो बी तक जा रहा होगा तो हम यहाँ पे स्पीड निकालते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से ना यहाँ देखो को कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो यहाँ पे हम रेफरेंस ले लेते हैं नीचे वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो पॉइंट ए पे एनर्जी बराबर होगी पॉइंट बी पे एनर्जी पॉइंट ए पे काइनेटिक और पोटेंशियल देख रो ना अब ये सब पढ़ने में एनर्जी यूज हो रहा है ना इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं ये हमने पहले नहीं किया करने को कर सकते थे फिर थोड़ा ये सब बताना पड़ता तब कर पाते तो देखो ए पे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर और पोटेंशियल कितनी है ए पे जीरो ना पार्टिकल का मास कुछ एम है ना स्ट्रिंग मास ना। और यहां आते आते उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए बी पे आते आते जीरो ना तभी वापस लौटेगा ना तो B पे काइनेटिक जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल कितना हो जाएगा हाइट कितनी बढ़ चुकी है इसकी हाइट ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर L है तो हाइट L बढ़ चुकी होगी ना तो एम जी एल तो इससे एम एम कट जाएगा v a की वैल्यू आई रूट टू जी एल अगर मैं रूट टू जी एल स्पीड दूंगा तो वो B तक पहुंचेगा और वापस गिर जाएगा फिर वैसे ऐसे लेकिन अगर रूट टू जी एल से कम दूंगा तो और पहले ही रुक जाएगा फिर वापस आ जाएगा तो ओसिलेट करने की कंडीशन क्या बोलूंगा स्पीड रूट टू जीएल से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए बताओ बच्चों बत स्पीड कितनी होनी चाहिए रूट टू जी एल से कंडीशन फॉर ओसिलेशन में कम होनी चाहिए ना तो हम बोलेंगे ऑसेलेशन के लिए स्पीड हमेशा पॉइंट ए पे कितनी होनी चाहिए? पॉइंट ए पे स्पीड बता रहे हैं ना, पॉइंट ए पे हमेशा लेस देन इक्वल टू रूट टू जीएल होनी चाहिए, ना मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है रूट टू जीएल तक? ठीक है क्लियर है सभी को? तो ये हमने देख लिया कंडीशन फॉर ऑसेलेशन अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल कितनी स्पीड दें कि सर्कल कंप्लीट हो जाए ये नोट कर लो फिर वो अगले पेज पे करते हैं भाई स्ट्रिंग की स्पीड क्या मतलब हो गई पार्टिकल की स्पीड है ये स्ट्रिंग की स्पीड नहीं है स्ट्रिंग की स्पीड कैसे बोल सकता है पार्टिकल की स्पीड ये आपको याद रखना रहेगा ना ये जो हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं आपको ऐसे पूछा जाएगा कि पॉइंट ए पे क्या स्पीड होनी चाहिए कि ओसी हो तो आप डायरेक्ट रूट टू एल या उससे कम अब स्ट्रिंग की स्पीड स्ट्रिंग का ये पॉइंट रुका हुआ है ये पॉइंट अलग स्पीड से चल रहा है ये अलग ये अलग अगर कोई स्ट्रिंग के हर पॉइंट अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं तो हम स्ट्रिंग की स्पीड नहीं बोल सकते ना हम स्ट्रिंग के कोई पॉइंट की स्पीड बोल सकते हैं क्योंकि हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग है ना ये वाला जो स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट है उसकी स्पीड है जो पार्टिकल की स्पीड है जो यहां पर है बंधा हुआ है जो अटैच है जो वॉल से उसकी स्पीड जीरो है तो आपको पॉइंट बताना पड़ेगा स्ट्रिंग के किस पॉइंट की स्पीड अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग द सर्कल इसको हम लोग क्रिटिकल कंडीशन भी बोलते हैं आयुष कैसे बता तुझे ये होना चाहिए कंडीशन कहा पढ़ लिया तूने ये वाला पार्ट हमारा फिक्स है इसका मास है मैं लेन तैल है अब अगर ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो कुछ ऐसे जा रहा होगा तो देखो यहां पे क्या हो रहा है यार एक मिनट डायग्राम सही नहीं बना देखो तो यहाँ पे क्या है अरे नहीं एक्चुअल में उसमें ऊपर वाले पॉइंट पे ही ज्यादा समझाना था ऊपर वाला पॉइंट ही घुस चला गया था ना दिखता नहीं तो समझाते नहीं आता देखो तो यहाँ पे क्या है इसको हम लोग कुछ नाम दे देंगे पॉइंट्स को ये सबसे नीचे वाले पॉइंट को ए बोलेंगे इस पे जो स्पीड होगी वो वी ए बोलेंगे ना यहाँ पे आते आते उसकी स्पीड कुछ वी बी हो जाएगी यहाँ आते आते उसकी स्पीड कुछ वी सी हो जाएगी इसको पॉइंट सी बोल रहे हैं इसको पॉइंट बी और यहां आते आते इसकी स्पीड कुछ Vd हो जाएगी इसको पॉइंट डी बोल रहे हैं वी डी और वी बी दोनों सेम ही होंगे क्रिटिकल कंडीशन अभी आगे समझाऊंगा ना क्यों क्रिटिकल है क्योंकि इसपे जस्ट सर्कल कंप्लीट होता है ना जस्ट कंप्लीट हो रहा है इसलिए क्रिटिकल है उसके उससे कंडीशन अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो घिर जाता है इसलिए इसको क्रिटिकल बोलते हैं तो अब देखो यहाँ पर अगर आपने जैसे स्पीड दी थोड़ी सी स्पीड दी तो ऑसिलेशन हुआ और स्पीड बढ़ाई और आगे तक गया ऑसिलेट हुआ ऐसे करते करते यहाँ तक आया ऑसिलेशन हो रहा है आपने और स्पीड बढ़ाई यहाँ तक गया और बीच में स्ट्रिंग अगर स्लैग पड़ गई तो अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि कभी भी आप जब रूट टू जी एल से ज्यादा स्पीड देते हो तो कभी भी वो बी से सी के बीच में जब आया हुआ है तो स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो सकता है ना ऐसा जैसे जैसे ऊपर को हम जाते हैं टेंशन कम होने लग जाता है। ना, अगर एक पार्टिकल पे केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा और उसके पास अभी है, तो वो कौन सा मोशन करेगा फिर प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू कर देगा ना फिर वो सर्कल में नहीं रहेगा अगर स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो गया बीच में कहीं तो वो 20 से फिर गिर जाता है ना ना तो अगर आपने रूट टू से ज्यादा स्पीड की और कहीं यहां तक आया और उसके बाद टेंशन जीरो हुआ तो वो ऐसे गिर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके ना आप ऐसा प्रैक्टिकल की यही हो धीमे स्पीड दो थोड़ा ऊपर तक जाके गिर जाता है ना? तो हमें यहाँ पे स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना हम कम से कम इतनी स्पीड देते हैं कि ये यह पार्टिकल यहां तक आ जाए यहां तक आ जाए तो अगर यहां तक आ गया तो जैसे जैसे इधर आया वैसे वैसे वापस इधर का पाथ रिपीट कर लेगा तो हमारा ये पर्पज रहता है कि पॉइंट पॉइंट सी सी तक तक चला चला जाए वो ना अगर तक चला गया बिना हुए तो आगे तो तो चला ही जाएगा ठीक है समझ लो तो कम से कम स्पीड मतलब कि आपको पॉइंट सी तक जाते जाते पहुंच जाए मतलब पॉइंट सी पे जाके स्लैक हो जाए चलेगा ना पॉइंट सी पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट सी पे मान लो टेंशन कुछ टीसी लग रहा है और नीचे को और फोर्स क्या लग रहा होगा प्लस इसका वेट ना तो पॉइंट सी पे मान लो अगर उसकी स्पीड वी सी है तो आप यहां पे क्या बोलोगे ये दोनों फोर्स इसको सेंटिपिटल फोर्स दे रहे हैं तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट सी के लिए टी सी प्लस एम जी मिल करके उसको सेंटिपिटल फोर्स दे रहे हैं एम वी स्क्वायर बाय सी किस पे पॉइंट सी की स्पीड अब देखो अगर आप स्पीड कम करोगे पॉइंट सी की स्पीड अगर कम हो रही है मतलब आप यहां से धीमे फेंकोगे तो यहाँ पे भी स्पीड कम मिलेगी ना तो स्पीड अगर आप कम करोगे तो इधर वाले पार्ट में एम तो कम हो नहीं सकता टीसी कम हो सकता है स्टिंग का टेंशन तो हम इसको कम करते करते कितना कम कर सकते हैं इतना कम कर लेंगे टी जीरो हो जाए ना यहाँ पे टेंशन जीरो हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ जीरो हो, हो रहा है मतलब इसके पहले जीरो नहीं हुआ है ना अगर यहां तक पहुंच गया तो आगे भी चला जाएगा ना फिर वैसे ही अगर यहां जस्ट स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हुआ तो वीसी के वजह से आगे जाएगा जैसे ही आगे जाएगा फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी और फिर वो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाने पर हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है टी जीरो हो सकता है बट एम -जी तो जीरो नहीं हो सकता ना एम तो अब भी लगेगा तो एटलीस्ट आपको एमजी यहां पर नीचे ना गिराए इसको पार्टिकल को वो सेंटीपिटल का काम करे इतनी स्पीड कम से कम देनी चाहिए कभी आपने ऐसा किया है कोई बाउल में वाटर लो और उसको तेजी से उल्टा करके घुमाओ तो देखो कई बार नहीं गिरता अगर आप स्पीड से घुमाओ तो।, तो उस टाइम पे उसका जो वेट होता है जब आप इतनी स्पीड देते तो हो कि वेट उसका सेंटीपिटल का, का काम करता है तो वो नीचे गिराने का काम नहीं करता है तो हम अगर पूछे भाई पॉइंट सी पे कम से कम कितनी स्पीड दोगे तो कम से कम कितनी देनी पड़ेगी सर्कुलर मोशन के लिए इस वाले पार्ट में कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है इस पार्ट की MG के बराबर को तो आप नहीं जीरो कर सकते TC को तो आप एक बार जीरो कर सकते हो ना कम करते करते तो पॉइंट सी पे कम से कम कितनी स्पीड हो सकती है वीसी की वैल्यू अगर आप मिनिमम चाहिए तो वहां पे टेंशन मिनिमम हो सकता है मिनिमम मतलब जीरो तो आप बोल सकते हो एम बराबर एम वीसी स्क्वायर बाई एल मतलब VC की वैल्यू आएगी रूट जीएल अगर पॉइंट सी पर रूट जीएल स्पीड है तो उसका वेट जो होगा एम जी होगा वो उसको नीचे नहीं गिराएगा ना वो उसको घुमाने का काम करेगा और टेंशन इस पॉइंट पे जीरो हुआ इसका मतलब इसके पहले और कहीं जीरो नहीं हुआ था ना तो बाकी हर जगह स्ट्रिंग टाइट थी यहां पे जीरो हुआ स्लैक हुआ लेकिन स्पीड है ना तो तुरंत आगे जाएगा और फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा मतलब अगर स्ट्रिंग का स्लैक हो रहा है तो कहां इस स्लैक हो हाइएस्ट पॉइंट पर उससे पहले ना हो तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना कम से कम आपको इतनी स्पीड देनी है पॉइंट ए पे कि वो हाइएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए हाँ तो पॉइंट सी पे अगर आपको स्पीड चाहिए सर्कल कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितनी चाहिए रूट जीएल या फिर उससे ज्यादा पॉइंट सी पे अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है हाँ इसलिए क्रिटिकल बोला ना ये क्रिटिकल है जस्ट कंप्लीट होगा इससे ज्यादा होगा तो अच्छा है ना पॉइंट सी पर अगर आपने रूट जीएल से फेंका है तो एमजी जी सेंटीपिटल फेंक करेगा और तो ना और स्पीड बढ़ाओगे तो टेन सो ना एम जी मिलकर सेंटीपिटल देंगे तब स्ट्रिंग टाइट रहेगी यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे ज्यादा स्पीड से जब फेंकोगे तो हाँ स्पीड इस टाइम पे क्या स्लैक हुआ लेकिन स्पीड ऑर्जेंटल है ना तो वो तुरंत आगे जाएगा जैसे ही आगे जाएगा फिर से स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी ना क्योंकि वो इस पॉइंट के आगे जाएगा तो स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाना चाहेगा ना तो वो उसको टाइट कर देगा तो फिर वो हो जाएगा काम और ऐसे ध्यान रखो अगर ये पार्ट कंप्लीट हो गया है ए से सी तक का तो जैसे जैसे ए से सी तक गया वैसे ही वो सी से फिर वापस इधर आ जाएगा तो हमें बस सी तक पहुंचाना है ना ए से सी तक कम से कम इतनी स्पीड देनी है कि सी तक वो पहुंच जाए स्ट्रिंग स्लैक ना पड़े लास्ट पॉइंट पे स्लैक हो जाए चलेगा लास्ट पॉइंट उससे पहले नहीं ठीक है यहां तक सबको क्लियर है अगर देखो किसी को नहीं भी समझा है तो अभी ये याद कर लो धीमे धीमे और क्लियर होता जाएगा कि सर्कल कंप्लीट कराना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड रूट जीएल आनी चाहिए हाँ सलोनी ना सी के बाद वो वापस नहीं आ सकता और आगे जाएगा तो स्ट्रिंग टाइट ही होगी तो फिर वापस सर्कल कंप्लीट हो जाएगा नहीं 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 अगर वो देखो ए से सी तक चला गया तो जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे वो नीचे आता जाएगा ना वही चीज रिपीट हो जाएगी फिर भावेश फिर वो बीच में रुक नहीं सकता ना ऐसे आते हुए कोई की स्पीड थोड़ी जीरो हो सकती है स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना ऊपर से नीचे आने पर पॉइंट सी पे अगर स्पीड कुछ है तो उससे नीचे जाने पे स्पीड और बढ़ेगी अबे अमन कुमार एक एक स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को अटैच करोगे और यहां पे स्पीड दोगे तो क्या होगा क्या वो नीचे गिर जाएगा स्ट्रिंग है ना यहां पर ऐसे स्पीड दोगे तो ऐसे सर्कुलर पाथ पे ही आएगा ठीक है सबको समझ आ रहा है मैंने देखो अभी आपको क्या समझाया कि अगर एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच किया है और स्ट्रिंग यहाँ फिक्स है और मुझे यहाँ पॉइंट सी पे स्पीड देनी है तो अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा क्योंकि एम जी नीचे खींच लेगा तो कम से कम मैं कितनी स्पीड दू कि वो ऐसे चला जाए इस पाथ पे और सर्कल कंप्लीट हो जाए तो एम जी जो नीचे को लग रहा है वो सेंटिपिटल का, का काम करेगा तो वो फिर आगे चला जाएगा एम जी नीचे नहीं गिरा पाएगा और आगे जाते ही फिर स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना तो पे का काम कौन करेगा? MG, ना, कम से कम आपको हमने वीसी की वैल्यू निकाल ली कम से कम हमें रूट स्पीड देनी पड़ेगी हाइएस्ट पॉइंट पर इससे ज्यादा दोगे तो टेंशन भी आ जाएगा दोनों मिलके सेंटिपिटल देंगे समझ आ रहा है सभी को पॉइंट पे क्रिटिकल कंडीशन में सेंट्रीपिटल केवल कौन देगा ग्रेविटी देगा अब देखो अगर हमने पॉइंट सी पे स्पीड निकाल ली तो हम अब क्रिटिकल कंडीशन के लिए बाकी पॉइंट पे भी स्पीड निकाल सकते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम पॉइंट ए पे निकालें स्पीड पॉइंट ए पे निकालना तो क्या बोलेंगे यहां से पे और यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं ना नीचे वाले रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे रेफरेंस जीरो ले लिया तो अब ये कितना आएगा पॉइंट ए की एनर्जी बराबर पॉइंट सी की एनर्जी क्योंकि केवल यहाँ पर ग्रेविटी है कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है जो एनर्जी का लॉस कराए ना तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम बराबर कानेटिक प्लस पोटेंशियल पॉइंट सी पर ए पे मान लो स्पीड वी ए है तो ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर पोटेंशियल ए पे रेफरेंस लिया है ना तो जीरो सी पे कानेटिक कितनी है हाफ एम वी सी स्क्वायर वी सी कितना है रूट जी और यू सी कितना बोलोगे ना यहाँ से यहाँ जाने में यू कितना बढ़ गया एल और एल टू बढ़ा है ना तो ये कितना आ जाएगा एम जी इंटू टू एल तो एम हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा टू से मल्टीप्लाई कर दो तो वी ए इक्वल टू आ जाएगा जी एल प्लस फोर जी एल तो वी ए की वैल्यू आ गई फाइव जी एल मतलब जब नीचे वाले पॉइंट पे रूट फाइव जी एल स्पीड दोगे तो यहां पहुंचेगा रूट टू जी एल से और अगर नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड बढ़ाओगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे स्पीड और बढ़ जाएगी ना एनर्जी कंजर्वेशन से जितना इधर स्पीड बढ़ाओगे उतना तो ही उधर ऊपर भी बढ़ेगी ना तो मतलब नीचे वाले पॉइंट से अगर हम फेंक रहे हैं तो कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए सर्कल कंप्लीट होने के लिए नीचे वाले पॉइंट पे रूट फाइव ये कितना है रूट फाइव जी एल ना रूट इधर कर दो अंडर स्क्वायर इधर कर दो तो पॉइंट ए से अगर आपको सर्कल कम, चल कराना है तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा रूट फाइव जी एल या उससे ज्यादा

क्रिटिकल कंडीशन में पॉइंट ए पे कितना टेंशन होगा वेरी गुड श्रेय आदित्य प्रथमे सरायु तुम लोग क्या बोल रहे हो वैल्यू ही निकाल दी ठीक है ओके देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है नीचे वाले पॉइंट पर एक तो इसका वेट लग लग रहा रहा है है नीचे को MG, और को और ऊपर टेंशन लग रहा है TA. तो इन दोनों के वजह से क्या ये अपनी जगह रुका हुआ है एक्सिलेशन जीरो है अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सिलेशन होगा कि नहीं सेंटिपिटल वाला सेंटिपिटल एक्सिलेशन है ना यहाँ पर किधर को होगा सेंटिपिटल सेंटर की तरफ सेंटर की तरफ एक्सलेशन कितना होगा एम वी स्क्वायर बाई आर तो ये कौन देगा इस टाइम पे सेंटिपिटल एक्सलेशन टी और एम का कंपोनेंट ना टी और एम का जो नेट वैल्यू आएगा और एक्सलेशन ऊपर है मतलब कौन सा बड़ा है टी बड़ा है या एम जी बड़ा है पॉइंट ए पर सेंट्रिपिटल एक्सलेशन ऊपर को है ना सेंटर यहां है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर है तो टी ए बड़ा होगा तभी ना ऊपर को एक्सेलरेशन मिल पाएगा तो पॉइंट ए पे आप क्या लगाओगे टी ए माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय तो टी ए माइनस एम जी वी ए की वैल्यू डाल दो रूट फाइव जी एल का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा फाइव एम जी तो टी इक्वल टू आ जाएगा सिक्स एम जी ना जब आप रूट फाइव जीएल से फेंकोगे तो सिक्स एम जी का टेंशन आएगा तो क्रिटिकल कंडीशन में ये टेंशन नीचे वाले पॉइंट पे कितना होगा सिक्स एमजी अगर आप और तेज फेंकोगे वी और बढ़ाओगे तो टेंशन भी और बढ़ेगा ना तो नीचे वाले पॉइंट पे अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है तो टेंशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए सिक्स एम जी या उससे ज्यादा ना अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है तो नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन क्या आनी चाहिए सिक्स एमजी या उससे ज्यादा समझ आ रहा है सभी को सर्कुलर मोशन में हमेशा ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन होता है ना सीधे टी बराबर एम नहीं लिख सकते Sir, मुझे एक डाउट था कौन है मैं श्रेयस हाँ श्रेयस बताओ सर मैंने जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेंड से तो उसमें वो स्ट्रिंग रैप होती है वो पॉइंट के ग्राउंड तो वो कंसीडर नहीं करेंगे केस में स्लैक होती थी क्या बोल रहे हो ऐसा नहीं नहीं आ, वो जो आ, नेल है ना उसके अराउंड वो क्या होती थी वाउंड होती उस पे वो रैप हो जाती थी हां अरे वो वाला अभी हमें नहीं सोचना है कि रैप हो रही है ना हाँ। को उसकी वजह से तो लेंथ कम हो जाएगी ना अभी आप रैप पे मत सोचो हाँ। ओके ठीक है तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना अब देखो अगर हमें पॉइंट ए की स्पीड मिल गई तो हम एनर्जी कंजर्वेशन से और भी कोई भी पॉइंट की स्पीड बोल सकते हैं पॉइंट बी की अगर स्पीड पूछी जाए कितनी होनी चाहिए क्रिटिकल कंडीशन में ना तो कितनी होगी निकालते हैं पॉइंट बी की क्रिटिकल कंडीशन में स्पीड निकालने जा रहे हैं तो हम सेम वही करेंगे या तो ए की इनर्जी बी के इक्वल कर दो या फिर बी की सी के इक्वल कर दो कोई भी दो पॉइंट के इक्वल कर लो ना इनर्जी हर जगह सेम है के प्लस यू बराबर के प्लस यू सर आयु ये देखो कंडीशन जो टी का लिख रहे हैं वो एक्चुअल में वेलोसिटी का कंडीशन है वेलोसिटी के लिए आप देख करके टी निकाल के बता सकते हो जैसे यहाँ टी निकाला वैसे वहां पे भी निकाल सकते हो

यहाँ से यहाँ आते आते हाइट कितनी बढ़ गई है ये एल बढ़ गई है ना हाइट तो एम जी एल एम एम कट जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फाइव जी एल बाई टूल टू वी बी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल ना? तो इसको आप सॉल्व करो तो इससे वी बी की वैल्यू आ जा रही है टू पहले मल्टीप्लाई कर दो टू मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ फाइव आएगा यहाँ टू आ जाएगा तो ये इधर जाके थ्री जीएल हो जाएगा फिर आप स्क्वायर और दूसरे साइड ले आओ तो ये आ जाएगा तो सर्कल कंप्लीट होने के लिए पॉइंट बी पर ये स्पीड होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए ना सबसे कम वाली स्पीड ये है रूट थ्री जी एल और पॉइंट बी पे जो होगा वही पॉइंट डी पर भी होगा ना क्योंकि पॉइंट बी और डी सेम लेवल पे है तो यही आप बोल सकते हो डी के लिए भी होगा पॉइंट बी और डी पे स्पीड सेम होगी ना ये समझो ना बी और डी सेम लेवल पे है ना तो उनमें सेम हो रहा होगा पॉइंट बी पे टेंशन पूछा जाए तो कितना बोलोगे थ्री एम जी हाँ सही है देखो पॉइंट बी पे अगर हम देखें तो फोर्स क्या क्या लग रहा है नीचे को एम लग रहा है और इधर को टेंशन लग रहा है तो इस टाइम पे इसको सेंटिपिटल फोर्स कौन दे रहा है पॉइंट बी पे सेंटिपिटल फोर्स कौन दे रहा है इसको टीबी दे रहा है ना एमजी का तो उधर कंपोनेंट है ही नहीं है तो इस टाइम पे टेंशन बराबर कर देंगे एमवी स्क्वायर बाय आर के टीबी बराबर एम वी बी स्क्वायर बाय आर देखो तो ये जो पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा टफ जाता है कई बार लोगों को आप अच्छे से सब कुछ नोट कर लो मैं अभी एक बार और रिवाइज करा दूंगा ना एक बार खुद से करना आ जाएगा समझ तो ये पॉइंट बी पे टेंशन हो गया ना टेंशन सर्कल अगर कंप्लीट हो रहा है तो थ्री एम जी आएगा बी पे या उससे ज्यादा आएगा ना आपने स्पीड कितनी दी है इतनी दी है तो थ्री एम जी अगर इससे ज्यादा स्पीड दी है तो टेंशन भी बढ़ जाएगा ना तो सर्कल कंप्लीट होने के लिए टेंशन पॉइंट बी पे थ्री एम या उससे ज्यादा हो रहा होगा ठीक है यहां तक सबको क्लियर है तो देखो हम लोगों ने ये समझ लिया आप तक कि कोई भी जगह अगर स्ट्रिंग और पार्टिकल और सर्कल कंप्लीट कराना है तो हम हाईएस्ट पॉइंट से सोचेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे हम अगर एक पार्टिकल को बस छोड़ दें तो वो गिर जाता है ना वहाँ पे स्पीड देनी पड़ती है तो हमें पॉइंट सी पे स्पीड कितनी रखनी पड़ती है root 3, root GL. Root GL रखेंगे तो एम जी जो होगा सेंटीपिटल का काम करेगा वो नीचे नहीं गिरने देगा ना? और और स्पीड बढ़ाएंगे तो टेंशन भी आएगा हाँ डी पे भी सेम टेंशन होगा फिर हम जब इसको स्पीड देंगे अगर रूट जीएल दिया है या उससे ज्यादा दिया है तो फिर ये अब सर्कल कंप्लीट होता जाएगा और नीचे वाले पॉइंट पर आने पर स्पीड कितनी हो जाएगी रूट फाइव जी एल ना या फिर उससे ज्यादा इस पॉइंट पे टेंशन जो होगा सिक्स एम जी या उससे ज्यादा हो रहा होगा ना स्पीड क्रिटिकल कंडीशन के लिए देखोगे तो सिक्स एम जी हो रहा होगा ना पॉइंट बी पे रूट थ्री जी एल और टेंशन थ्री एम जी से ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थ्री एम जी और पॉइंट सी पर टेंशन जीरो हो रहा होगा क्रिटिकल कंडीशन में अगर स्पीड बढ़ाओगे तब टेंशन बढ़ जाएगा ठीक है क्लियर है सभी को तो सर्कल कंप्लीट कराने की कंडीशन हमसे पूछी जाएगी पॉइंट ए से हम कितनी स्पीड से फेकें तो हम क्या बोलेंगे रूट फाइव जीएल या उससे ज्यादा रूट फाइव जीएल या उससे ज्यादा और टेंशन पूछा जा सकता है यहां सिक्स होता है क्रिटिकल कंडीशन में यहां थ्री एम जी यहाँ जीरो स्पीड रूट फाइव जीएल यहाँ पे होता है यहाँ पे रूट थ्री जीएल और यहाँ पे रूट जीएल तो सर्कल कंप्लीट कराना है तो पॉइंट ए पे स्पीड होनी चाहिए रूट फाइव जी एल या उससे ज्यादा और अगर हमें केवल ऑसिलेशन कराना है तो पॉइंट ए पे स्पीड क्या थी रूट टू जी एल या उससे कम ना रूट टू जी एल या उससे कम पे क्या होगा ऑसिलेशन तो अगर रूट टू जी से ज्यादा हो जाए लेकिन रूट फाइव जी के बीच में रहे तो वहां पे क्या होगा ना तीसरी कंडीशन ये कंडीशन वन थी ना हमारी सॉरी ये कंडीशन टू है सर्कल कंप्लीट होने वाली ये कंडीशन वन ऑसिलेशन वाली तो तीसरी अब यहां से अब लिख सकते हैं कि अगर हमारी पॉइंट ए पे स्पीड रूट से तो ज्यादा हो गई है रूट से ज्यादा हो गई है तो अब वो क्या होगा इसके सामने वाला जो पॉइंट होगा वो क्रॉस कर जाएगा ना लेकिन रूट फाइव जीएल से कम है अगर रूट फाइव जीएल तो क्या होगा कहीं बीच में ही जाकर जीरो हो जाएगा ना और वो फिर आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो ये किस चीज की कंडीशन है रूट टू जीएल से ज्यादा और रूट फाइव जीएल से कम ये किस चीज की कंडीशन है कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल इसको हम बोलते हैं ये क्या है कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल है ना सर्कल छोड़ने की कंडीशन है अगर आपको यहां से फेंकना है और आपको सर्कुलर पाथ को छोड़ देना है थोड़ी देर बाद तो उसके लिए आपको इतनी इनमें से कोई स्पीड रखनी पड़ेगी इसके बीच की कोई नोट कर लो थर्ड वाली कंडीशन ना पॉइंट एक की हम लोग याद रखते हैं ओसी के लिए रूट टू जी एल से कम या इक्वल सर्कल कंप्लीट होने के लिए रूट फाइव जी के बराबर या उससे ज्यादा तो इनके बीच में अगर रहेगा तो वहां पे सर्कल छोड़ देगा अब देखो जब ये सर्कल छोड़ेगा तो हमें ये निकालना रहता है कि किस थीटा पे जाके सर्कल छोड़ देगा तो उसके लिए हम लोग देखो कैसे सोचेंगे ना हमें अगर मान लो स्पीड हमारी जो है वो रूट टू जी से ज्यादा है और रूट फाइव जी से कम है तो वहाँ पे हम कैसे सोचते हैं हमें ये बताना रहता है कि किस थीटा पे जाके वो सर्कल छोड़ देगा मान लो हमने पॉइंट ए से वी ए स्पीड से फेंका लेकिन स्पीड इन दोनों के बीच में कुछ है तो वो क्या होगा कहीं यहां तक आएगा

कैसे सोचेंगे देखो यहाँ पर अगर वो सर्कल छोड़ रहा है तो पॉइंट पी पर टेंशन क्या हो जाएगा वहां पर जीरो पॉइंट पी पर टेंशन जीरो हो जाएगा जल्दी लिखो भाई बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं अब देखो यहाँ पे इसने लास्ट पॉइंट तक जा करके यहां से यहां तक तो ये सर्कल का पार्ट है ना पॉइंट पी तक तो सर्कुलर मोशन हुआ है ना तो पॉइंट पी तक अगर सर्कुलर मोशन हुआ है तो पॉइंट पी पर टेंशन जीरो हो गया है तो पॉइंट पी पे सेंटिपिटल किसने दिया है पॉइंट पी पर सेंटिपिटल किसने दिया है Centipital तो मिल रहेगा ना पॉइंट पी तक सर्कुलर मोशन हुआ है तो पॉइंट पी तक सेंटिपिटल रहेगा तो वो कौन देगा एम का कंपोनेंट ना एम नीचे को लग रहा होगा ऐसे तो एम का जो इधर कंपोनेंट आएगा एम ना ये इसको सेंटिपिटल दे रहा है लास्ट पॉइंट पे तो हमेशा इस कंडीशन फॉर लिविंग द सर्कल में ये लास्ट पॉइंट के सेंटिपिटल की इक्वेशन लिखनी होती है ना ये आपको इंपॉर्टेंट होता है ना हमेशा ध्यान रखो लास्ट पॉइंट पे Centipital कौन देगा एम जी का कंपोनेंट ना तो एम जी देगा तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी दूसरी इक्वेशन आप कहा से लिख सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से कोई एनर्जी तो लॉस हुई नहीं है अभी तक तो हम पॉइंट ए की एनर्जी बराबर कर सकते हैं पॉइंट पी की एनर्जी के हम बोल सकते हैं एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर होगा एनर्जी एट पॉइंट पी तो काइनेटिक पोटेंशियल का सम बराबर काइनेटिक पोटेंशियल का सम ए पे काइनेटिक हमें पता है कुछ दी होगी स्पीड ना इसके बीच की कुछ वैल्यू दी होगी तो वो रख देंगे पोटेंशियल कितनी है ए पे जीरो पी पर हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल कितना हो जाएगा ये हाइट कितनी बढ़ चुकी है इसकी ये एल है और ये कितना आएगा ये एल है ना ये वाला तो ये एल कॉस्ट हीटा आएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे लिखना है ना नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे एम जी एल इंटू वन प्लस कॉस्ट हीटा ना एल कॉमन हो गया है अब आपके पास देखो कितने अननोन है वी ए तो आपको गिवेन है ना अननोन क्या क्या है वीए सॉरी वीपी और थीटा दो अनोन है आपके पास अनोन कितने हैं वीपी और थीटा और कितनी इक्वेशन लिख ली आपने इक्वेशन कितनी लिख ली हम लोगों ने दो तो अब दो अनोन दो इक्वेशन ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं हमेशा इन दोनों के बीच में अगर स्पीड है तो सर्कल छूट रहा होगा अब सर्कल छूट रहा होगा तो उसमें सॉल्व कैसे करोगे कि किस थीटा पे सर्कल छूटेगा तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन लिखनी है एक तो लास्ट पॉइंट के लिए सेंटिपिटल की इक्वेशन और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन ना इनको लेकर के सॉल्व कर देंगे अब ये नोट कर लो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको और क्लियर हो जाएगा इक्वेशन वन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना कि जहां पे भी सर्कल छोड़ना होगा वहां पे लास्ट पॉइंट के लिए सेंटीमीटर की इक्वेशन लिख देंगे सिद्धेश तूने ये लाइन यार नोट करके रखी हुई है बहुत दिन बाद आज चिपकाया फिर से कैन यू रिपीट अच्छा आगे का थोड़ा चेंज किया है अब इसमें क्या रिपीट करूं ए और पी पे एनर्जी लिख दे काइनेटिक पोटेंशियल अगर यहाँ रेफरेंस जीरो है तो पी की हाइट कितनी होगी एल प्लस एल कॉस्ट हीटा ये एल है ये theta है, तो ये बेसिक एडवांस मैथमेटिक्स से आएगा एल कॉस्ट हीटा तो हाइट हो जाएगी एल प्लस एल कॉस्ट हीटा तो पोटेंशियल लिख दिया है कायनेटिक लिख दिया है और बराबर इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल ना अब इनको सॉल्व करना रहेगा ना अब आगे वैल्यू देता हूं तब सॉल्व करना भावेश देख लास्ट पॉइंट की सेंटीमीटर लिखनी होती है देख जैसे यहां तक वो सर्कल पे जाएगा और इसके बाद सर्कुलर पाथ छोड़ देगा फिर ऐसे चला जाएगा तो लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन हुआ है तो लास्ट पॉइंट पे उसको सेंटिपिटल फोर्स कौन देगा अभी लास्ट पॉइंट पे टेंशन कितना हो चुका है जीरो तो जो भी सेंटर की तरफ फोर्स होता है वही सेंटिपिटल देता है ना अब लास्ट पॉइंट पे सेंटर की तरफ केवल कौन सा फोर्स बच रहा है इस एम का जो इधर कंपोनेंट है वही बचा है ना और कोई फोर्स है उधर लास्ट पॉइंट पे अब तो जो फोर्स होगा वो हम कर देंगे लास्ट पॉइंट पे सेंटीमीटर की इक्वेशन में यहां पे मैं ये नोट कर लेते हैं ना सर्कल के लास्ट पॉइंट पर एम का कंपोनेंट सेंटिपिटल देगा ना ये याद रखना है हमें नोट हो जाए तो बता देना ना तो आप जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं मान लो एक पार्टिकल को हमने स्ट्रिंग से अटैच किया और उसको नीचे वाले पॉइंट पे हमने स्पीड दी कुछ रूट फोर जी ना तो ये देख लो रूट टू जी से ज़्यादा है बट रूट फाइव जी से कम है तो हमें बताना है कि ये किस थीटा पे जाके सर्कल छोड़ देगा Cost theta equal to two by three. मान लिया पॉइंट पी है तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे एक तो लास्ट पॉइंट के लिए सेंटीपीटर की इक्वेशन नीचे को एम लग रहा होगा ये एंगल अगर थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल ठीटा आएगा तो एम का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी थीटा ना कोई भी फोर्स का अगर कोई लाइन के साथ ठीटा एंगल है तो उधर कंपोनेंट कितना आता है फोर्स इंटू कॉस्ट हीटा तो ये एम जी कॉस्ट हीटा बराबर हो गया एम ना, एक तो लास्ट पॉइंट के लिए सेंटीपीटर की इक्वेशन लिख दी दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन नीचे रिफरेंस ले लिया एनर्जी एट ए बराबर होगा एनर्जी एट पी ए पे एनर्जी कितनी है काइनेटिक वाली हाफ एम वी ए स्क्वायर वी ए स्क्वायर मतलब रूट फोर जी एल का स्क्वायर और पोटेंशियल ए पे है जीरो पी पर हाफ एम p स्क्वायर अबे सु, नहीं सुमिति ये कॉस्ट थीटा वन से ज्यादा नहीं हो सकता ना थ्री बाई टू तो हो ही नहीं सकता ना प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा एम जी एल वन प्लस थीटा। इनकी वैल्यू डाल देते हैं देखो यहाँ पे जहां पे एम वी स्क्वायर है एम वी पी स्क्वायर वहां पे क्या लिख सकते हैं एम जी एल कॉस्ट ईटा ना तो यहाँ पे आ जाएगा टू यहाँ पे ये वैल्यू डाल दे रहा है ना एम वी पी स्क्वायर की वैल्यू इधर से डाल देंगे तो वन बाई टू इंटू एम जी एल कॉस्ट ईटा सिद्धेश ध्यान से देख ले बाद में तू ही बोलेगा कि समझ नहीं आया कहाँ से कैलकुलेशन हुआ इक्वेशन वन से एम कॉस थीटा तो एम जी एल हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा यहां आया टू इक्वल टू हाफ कॉस थीटा प्लस वन प्लस थीटा और टू से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर इक्वल टू कॉस्ट थीटा प्लस टू प्लस टू कॉस हीटा टू को इधर कर देंगे तो इधर टू आ जाएगा और इधर आ जाएगा थ्री कॉस थीटा तो इससे टू बाई थ्री इक्वल टू कॉस हीटा तो थीटा इक्वल टू आया सॉरी ठीटा इक्वल टू आया आयास टू बाई थ्री नहीं सर इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा आपको इतना करना ही पड़ेगा ना ना जो मेन की कॉन्सेप्ट है मैंने वो बता दिया कि लास्ट पॉइंट का सेंटीमीटर का इक्वेशन लिख दो इनर्जी का लिख दो बस सॉल्व कर दो अब देखो यहां पे अगर आप थीटा की वैल्यू डाल दोगे थीटा की वैल्यू डाल दोगे डालोगे थीटा की वैल्यू टू बाई थ्री जैसे यहाँ डालोगे तो पॉइंट पी की स्पीड भी आ जाएगी ना अगर हमें स्पीड पूछी जाएगी तो वो भी डाल देंगे हाँ आदित्य बाकी तो मैथ ही होता है अब देखो यहाँ पे अगर हमें कभी पूछा जाए कि भाई टोटल ये कितने हाइट तक गया यहां से फेंका तो इस नीचे वाले पॉइंट से इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई पार्टिकल की तो आप क्या बोलोगे यहाँ पॉइंट पी के बाद अब देखो ये अगर एंगल थीटा है ये थीटा है और ये पूरा नाइन्टी है तो ये एंगल थीटा आएगा तो अब देख लो यहाँ के बाद आगे क्या हो रहा है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और एक तरह से ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लोगे थीटा ग्राउंड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा तो ये अब ये एच मैक्स ले सकते हो ना ये वाली हाइट को प्रोजेक्टाइल का एच मैक्स ना जिसमें इनिशियल स्पीड कितनी है वीपी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा ना इधर को हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर को पॉजिटिव आई एक्सिस तो आप एच मैक्स वाले फॉर्मूले में डाल दो तो ये वाली हाइट और आ जाएगी तो टोटल हाइट कितनी होगी ग्राउंड से टोटल हाइट अगर हम देखें तो एल प्लस एल कॉस थीटा प्लस एच मैक्स ये हमारा एल है ये एल कॉस्ट थीटा प्लस प्रोजेक्टाइल शुरू होने के बाद जो और हाइट गई एच मैक्स का तो फॉर्मूला लगा दोगे ना वीपी इनिशियल स्पीड हो जाएगी थीटा पता है अब ऐस रेस अब आगे क्या समझाने का है देख ये स्ट्रिंग स्लैक हो चुकी है स्ट्रिंग स्लैक हो गई तब वो आगे पार्टिकल का स्पीड और एमजी वाला फोर्स लग रहा है तो अब आगे का पाथ कैसा होगा ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कुछ और यहाँ पे हॉर्जेंटल लाइन ड्रॉ कर दी हॉर्जेंटल लाइन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है थीटा तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है उसको आप क्या मान सकते हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ हॉरिजॉन्टल हो के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और, और इनिशियल स्पीड इस पॉइंट की आप बोलोगे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इनिशियल स्पीड होती थी वीपी है तो एच मैक्स का आप निकाल सकते हो एच मैक्स हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर मतलब वीपी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी वीपी हमें पता है साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो साइन थीटा भी पता है सिद्धेश देखो ये रेडियस है और वीपी जो है ये टेंजेंट वाली लाइन है ना जब सर टेंशन खत्म होगा तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में शुरू में चलेगा ना तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल ये 90 है ये अगर थीटा है तो ये थीटा इसको आगे बढ़ाओ ये 90 है तो ये नाइनटी माइनस नाइन्टी है तो ये कितना आएगा थीटा ठीक है एंगल समझ आ गया ना जब ये सर्कल छोड़ता है तो आगे प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो जाता है जिसकी इनिशियल स्पीड इस पॉइंट की स्पीड ले लोगे और एंगल इस जगह का ये एंगल जो थीटा है तो अब तक जितना मैंने पढ़ाया एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ फिर थोड़ा सा बचा है फिर वो आगे पढ़ा देता हूं नोट कर लो जल्दी ये तो हमने देखो अब तक ये समझ लिया कि जब भी कोई पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच करेंगे उसका एक पॉइंट फिक्स है और नीचे वाले पॉइंट से फेंकेंगे तो अगर उसकी स्पीड लेस देन इक्वल टू रूट टू जी एल है तो वहाँ पर ओसिलेशन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट फाइव जी एल है तो वहाँ पर सर्कल कंप्लीट होगा और अगर रूट टू जी एल से ज्यादा है और रूट फाइव जी एल से कम है तो वहां पे सर्कल छोड़ देगा ना? ना वहाँ पे सर्कल छूट जाएगा जहाँ सर्कल छूटेगा वहाँ पे हम क्या क्या लगाएंगे लास्ट पॉइंट की सेंटीमीटर की इक्वेशन और इनर्जी कंजर्वेशन ठीक है क्लियर है सभी को यहां तक अब हम लोग दूसरा केस देख रहे हैं दूसरा वाला एकदम सिंपल है वो तुरंत हो जाएगा दूसरा अब हम लोग केस देख रहे हैं जिसमें रॉड प्लस पार्टिकल है रॉड पार्टिकल में बीच में सर्कल छोड़ने की कंडीशन ही नहीं होगी क्योंकि रॉड इस लैक नहीं हो सकता ना अगर हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया हिंज किया है तो इसके बाद रोटेट कर सकता है ना रॉड लाइट है उसका मास नेगलिजिबल है लेंथ एल है अब अगर हमें इसको सर्कल कंप्लीट कराना है तो क्या होना चाहिए अगर आपने स्पीड दी और ये स्पीड ऊपर पहुंचने से पहले जीरो हो गई तो नीचे गिर जाएगा ना फिर से तो या तो यहाँ ओसीलेशन होगा या सर्कल कंप्लीट होगा ना ये बात समझो अगर आपने स्पीड दी ये यह यहाँ जाके भी अगर स्पीड जीरो हुई तो फिर भी गिरेगा और ओसिलेशन शुरू हो जाएगा ना? या तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा या ऑसिलेशन होगा दो ही चीज होगी तो अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराना है तो कहां तक पहुंचाना होगा अगर हमें सर्कल कंप्लीट कराना है ना तो कहां तक होगा हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचाना है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के अगर वो हल्की सी भी वेलोसिटी होगी तो इस साइड गिर जाएगा ना और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे कोई आपको वेलोसिटी चाहिए यहां पर जैसे पिछली बार तो क्या होता था एम नीचे गिरा सकता था स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता था एम नीचे खींच सकता था तो हमें एम को सेंटिपिटल का काम कराना रहता था बट यहाँ एम नीचे गिरा पाएगा रॉड है ना तो यहाँ पे केवल क्या चाहिए कि इस पॉइंट तक पहुंच जाए और हल्का सा भी फिर आगे गया तो खुद ही गिर जाएगा तो इस बार हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होनी चाहिए इस पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए इस पर टेंडिंग टू जीरो ना जस्ट जीरो से ग्रेटर तो उसको लगभग जीरो ही मानेंगे समझो ये बात मेरी अगर वो जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर गया तो खुद ही गिर जाएगा ना रॉड है ना सर्कल खुद ही कंप्लीट हो जाएगा जस्ट ग्रेटर देन जीरो तब तो हम इनर्जी कंजर्वेशन लगा करके पॉइंट ए की स्पीड निकाल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं इनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी जीरो से जस्ट ग्रेटर मतलब जीरो ही बोलते हैं ना सॉल्विंग में तो वो जीरो ही लेके सॉल्व करोगे ना सलोनी देखो मैं बोल रहा हूँ एक रॉड से एक पार्टिकल मैंने अटैच किया और यहां से रेस्ट से छोड़ दिया इसको तो क्या होगा अगर यहां से मैंने रेस्ट से छोड़ा तो क्या वो पार्टिकल नीचे गिरेगा या ऐसे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा सर्कल कंप्लीट होगा ना तो इस बार मुझे अगर सर्कल कंप्लीट कराना है तो मुझे कितनी स्पीड देनी है इतनी स्पीड कि वो जस्ट यहां तक पहुंच जाए ना? और यहां पहुंचते बहुत उसकी स्पीड हल्की सी भी रह गई टेंडिंग टू जीरो तो भी वो इधर चला जाएगा आगे और फिर नीचे आ जाएगा रॉड है ना रॉड की वजह से वो स्ट्रिंग टाइप स्लैक नहीं हो सकता ना हाँ रॉड मासलेस है ना रॉड मासलेस है मासलेस या लाइट रॉड बोलेंगे ना चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं हाँ वो ग्रेटर होगा तो भी चलेगा ना पॉइंट सी की बात चल रही है पॉइंट सी पे स्पीड जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना श्रेयस अनम्यूट करके पूछो डाउट क्या पूछ रहे हो? देखो सबको ये मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो स्पीड होनी चाहिए वो हल्की सी भी अगर इधर को है तो फिर वो आगे गिर जाएगा खुद ही तो वो हल्की सी कितनी है जीरो पॉइंट जीरो 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 इनफाइनाइट जीरो लगा दो ना तो अब सॉल्विंग में तो इस वैल्यू की वैल्यू जीरो ही लोगे ना टेंडिंग टू जीरो जो है उसको तो जीरो ही लेके करोगे ना इनफाइनाइटली स्मॉल जो वैल्यू है अब डेसिमल के बाद इनफाइनेट जीरो है भावेश तू इनफाइनेट जीरो लगा के सॉल्व कर लेना बाकी लोग भाई ऐसे ही करो सर hmm, हाँ बता सर अगर जीरो हुआ तो वो ऐसे सस्पेंडेड ही रह जाएगा ना तो मेरी सर... बात नहीं सुन रहा मैं क्या बोल रहा हूँ टेंडिंग टू जीरो बोल रहा हूँ मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ जीरो से हल्का सा ज्यादा हल्का सा जीरो जीरो से ज्यादा होगा तो वो इधर जाएगा ना नीचे गिर तो hmm. नहीं सकता रॉड है

या मैं ऐसे लिख देता हूं एक मिनट तो को लगभग जीरो जीरो सोचना ही नहीं है तो पॉइंट पॉइंट नहीं फर्क पड़ेगा ना यार टेंडिंग टू जीरो का मतलब जीरो ही होता है सॉल्विंग में अब मैं क्या बताऊं <laughs> टेंडिंग टू जीरो मतलब जीरो ही होता है सॉल्विंग के हिसाब से तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे कर लेंगे ए पे स्पीड क्या बोलेंगे हाफ एम वी ए स्क्वायर पोटेंशियल कितनी होगी जीरो। पे पोटेंशियल जीरो सी पे क्या हो जाएगा काइनेटिक जीरो ना जस्ट वो पहुंच जाए सी तक ना बाकी खुद ही वो गिर जाएगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा एम जी इन टू तो पॉइंट ए पे स्पीड हम बोलेंगे इससे आएगा रूट फोर जीएल देख रो स्ट्रिंग वाले केस में रूट टू जी एल आया था जबकि रॉड में कम स्पीड में काम हो जाता है ना रॉड में रूट फोर जीएल या इससे ज्यादा होगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और इससे कम होगा तो ओसिलेशन होगा नोट करो इसको हाँ सर आयु ना रॉड रिजिड होता है ना रॉड स्लैक नहीं पड़ सकता तो सर्कल नहीं छूट सकता ना या तो वो ओसिलेशन होगा ना अगर मान लो इसके जस्ट पहले इधर रुकता तो फिर ऐसे गिरता ना फिर ऐसे ऐसे ओसिलेशन शुरू हो जाता भावे सभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे तुझे जो मैथमेटिक्स लगानी हो लगा के कर लेना बाद में तू एग्री कर जाएगा मेरी बात से हमेशा ध्यान रखो फिजिक्स में कहीं भी बोला जाए वेरी स्लोली टेंडिंग टू जीरो तो इसका मतलब जीरो ही लेके सॉल्व करना होता है पीछे भी देखो हम लोग कोई पार्टिकल को मूव कराते थे, थे वेरी स्लोली तो मतलब हम जीरो लेके सॉल्व करते थे ठीक है नोट हो गया होगा हाँ दे रहा हूं दे रहा हूं तो अब देखो यहां पे क्या है हमने क्या देख लिया कि अगर नीचे वाले पॉइंट पे स्पीड ग्रेटर देन रूट फोर जी एल होगा तो वहाँ पर सर्कल कंप्लीट हो रहा होगा है और अगर पॉइंट पे स्पीड लेस देन रूट फोर जी एल होगा तो वहाँ पे फिर ऑसिलेशन होगा यहाँ पे दो ही चीज़ें हो रही होंगी अब देखो मेन जो सर्कल में हमें पढ़ने वाला पार्ट था वो हो गया ना वर्टिकल सर्कल का अब एक दो प्रॉब्लम और कराने हैं तो उससे पहले कुछ कंडीशन और कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं उसी को दूसरे लैंग्वेज में कई बार हम बोलते हैं तो वो एक जरा देख लेते हैं फिर एक दो प्रॉब्लम करने बस खत्म है ये देखो जैसे अभी हमने देखा कि एक रॉड होगा तो रॉड स्लैक नहीं पड़ सकता तो वहां पे रूट फोर जीएल होगा और स्ट्रिंग स्लैग पड़ सकती है उसलिए वहाँ सर्कल छूट सकता है तो इसी चीज को बताने का या पूछने का या और भी तरीका हो सकता है जैसे हमने एक मान लो हॉलो स्पीयर लिया और इस हॉलो स्पीयर के अंदर हमने एक पार्टिकल को रखा ना ये स्मूथ स्पीयर है ना स्पीयर फिक्स्ड है अब अगर हम इसमें नीचे वाले पॉइंट पे उसको कितनी स्पीड दें कि वो स्पीयर के अंदर वाले सरफेस पे सर्कल कंप्लीट कर ले ना तो ये किसको रिलेट करेगा स्ट्रिंग वाले केस को या रॉड वाले केस को ना? स्ट्रिंग वाले केस को क्योंकि तो ये हो सकता है बीच तक जाए फिर वहां से छोड़ दे से, ना तो यहां पे कितनी स्पीड होनी चाहिए वी ए ग्रेटर टू रूट फाइव जी आर होनी चाहिए और यहां पे जो स्ट्रिंग का टेंशन काम करता था वो काम कौन करेगा यहां पे नॉर्मल फोर्स काम करेगा ना नीचे वाले पॉइंट पे नॉर्मल कितना हो रहा होगा सिक्स एम जी या उससे ज्यादा ना इस वाले पॉइंट पे जब जाएगा तो इधर को नॉर्मल लग रहा होगा सब को सेम वैसे ही हो रहा होगा ना पॉइंट बी पे स्पीड रूट थ्री जी आर हो रही होगी और पॉइंट बी पे नॉर्मल थ्री एम जी हो रहा होगा तो जो हमने केसेस पढ़े हैं उससे रिलेट करके कुछ भी ऐसा आएगा तो हम कर देंगे ना अब देखो यहीं पे अगर ऐसा कुछ होता एक रिंग है या एक स्पीयर है हाँ स्पीयर फिक्स्ड है अपनी जगह अब ये केस देखो ना इस केस में हमने क्या किया एक स्पियर के ऊपर एक दूसरा स्पियर है ना और बीच में ये गैप बना हुआ है ये गैप में कोई भी चीज मूव कर सकती है अब इस गैप में अगर मैं कोई पार्टिकल को रख दूं और उसको स्पीड दे दूं तो यहां पे क्या होगा गिरने का कोई चांस नहीं है या तो ऊपर तक चला जाएगा तो खुद ही सर्कल कंप्लीट हो जाएगा या बीच से लौट आएगा तो ये रॉड जैसा होगा ना तो यहाँ पे हम स्पीड कितनी बोलेंगे नीचे वाले पॉइंट पे ग्रेटर देन रूट फोर सर्कल कंप्लीट करने के लिए ना तो अगर वो बीच से गिर नहीं सकता है, तो रॉड वाला केस लेके सॉल्व करना है अगर वो बीच से गिर सकता है तो स्ट्रिंग वाला केस लेकर के सॉल्व कर देना है समझो ना वही रिजल्ट डायरेक्ट लगा देंगे जो हमने स्ट्रिंग और रॉड का देखा हुआ है क्योंकि वही चीज हो रही है ना फिर से क्यों सॉल्व करना डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेंगे स्पियर मतलब यहां पे एक स्पियर लिया गया उसको फिक्स कर दिया गया है तो स्पियर मूव नहीं करेगा उसके अंदर ये पार्टिकल मूव करेगा मान लो अपना ये चिंटू है चिंटू इसको पकड़ के खड़ा है ना मूव नहीं करने देगा अब ऐसे सिद्धे तुम्हें तो बहुत मजा आता है रिपीट करा करा करके ये देखो तो एक स्मूथ हॉलो स्पियर है ये अपनी जगह फिक्स्ड है इसमें एक पार्टिकल रखा हुआ है और उसको हमने कुछ स्पीड दे दी तो वो क्या हो सकता है ये ऐसे जाएगा और बीच से गिर भी सकता है ना तो वो स्ट्रिंग वाला केस है ये स्ट्रिंग वाला केस है ना बीच से सर छूट भी सकता है और यहाँ वहाँ जो स्ट्रिंग का टेंशन होता था यहाँ पे नॉर्मल वो काम करेगा तो वही स्ट्रिंग वाला सारा केस यहाँ लगा सकते हो नीचे वाले इस पॉइंट पे स्पीड रूट फाइव जी आर और नॉर्मल की वैल्यू सिक्स एम जी या उससे ज्यादा यहाँ वाले पॉइंट पर रूट थ्री जी आर ऊपर वाले पॉइंट पे रूट जी आर सब वही रिजल्ट लगा दोगे ना क्योंकि पार्टिकल हॉलो स्पियर के अंदर जब चल रहा होगा तो गिर भी सकता है ना और अगर हम दो हॉलो स्पियर लें और उनके बीच में ये जो गैप बना हुआ है उस गैप में कोई पार्टिकल को मूव कराएं तो ये रॉड वाला केस है ना बीच से पार्टिकल गिर नहीं सकता है हाँ तो हाँ बॉल बियरिंग जैसा लेकिन वो बॉल बियरिंग में थोड़ा अलग चीजें होती हैं डायग्राम उसी टाइप का कुछ है मान लो तो यहाँ पे क्या होगा रॉड वाला केस लगाना है इतनी स्पीड दो कि वो यहाँ तक पहुँच जाए फिर आगे खुद ही गिर जाएगा तो रॉड वाला सारा रिजल्ट यहाँ लगा देंगे ठीक है क्लियर है यहाँ तक ऐसे गिरेगा ना देखो जैसे मान लो कोई टाइम पर यहां पे आया और स्पीड जैसे नॉर्मल जीरो हुआ तो वो इस डायरेक्शन में चलना चाहेगा लेकिन ग्रेविटी उसको चलने नहीं देगा no. ग्रेविटी के बाद में वो ऐसे हो जाएगा। उस इंस्टेंट पे वो उधर को चलना चाहेगा लेकिन ग्रेविटी की वजह से फिर ऐसे गिर जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी है लेकिन एमजी के इफेक्ट की वजह से टेंजेंशियल जा नहीं पाएगा ना ऐसे हो जाएगा फिर अब एक लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं बस फिर ये खत्म हो गया है ये नोट कर लो हाँ प्रोजेक्टाइल पे ही जाएगा ना अगर कोई भी पार्टिकल को हमने स्पीड दे दी और केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा अगर कोई भी पार्टिकल को हमने अंडर ग्रेविटी फेंक दिया अंडर ग्रेविटी तो उसका पाथ कैसा होगा केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो उसका पाथ अब तो आगे का प्रोजेक्टाइल ही होता है ना जब तक जाके वो कहीं टकरा ना जाए जाये। टकरा जाएगा वो अलग बात है इतनी देर की बात चल रही है ना भावे सीधे नीचे कब गिरती है कोई चीज जब मैंने कोई चीज को जीरो स्पीड से छोड़ा अंडर ग्रेविटी तब नीचे गिरेगी लेकिन अगर स्पीड दी है अंडर ग्रेविटी तब तो, तो प्रोजेक्टाइल होगा ना अंडर ग्रेविटी अगर स्पीड जीरो है तब सीधे नीचे गिरता है यहां पे क्या होता है बीच में जाके नॉर्मल जीरो होता है। मतलब टेंशन जीरो होता है, स्पीड रहती है न, में। भावे समझ रहे है क्या बोल रहा हूं अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं बस फिर ये खत्म है चैप्टर सपोज हमारे पास एक सॉलिड स्पियर है जो अपनी जगह फिक्स्ड है और इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे हमने एक पार्टिकल रख दिया और इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ये गिरना शुरू करता है ना ये इस पर गिरना शुरू करता है तो हमें बताना है कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पे जाने के बाद स्पीयर को छोड़ देगा ना ये स्मूथ फिक्स्ड स्पीयर है कोई पार्टिकल को हमने हाईएस्ट पॉइंट पे रखा और हल्का सा डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो हमें बताना है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे जाने के बाद वो सर्कल को छोड़ देगा ऐसा तो नहीं है कोई ना जो बोलेगा कि ऐसे जाएगा और जाते जाते पूरा यहाँ तक आ जाएगा ना ऐसे जा कर फिर कहीं आगे गिर जाएगा ना ना तो कुछ देर तक ही स्पेसपीयर के सरफेस पे चलेगा और बाद में जाकर के आगे गिर जाएगा ना ऐसा नहीं होगा कि लौट के यहां आ गया है जादू नहीं हो रहा है तो हमें यहां थीटा की वैल्यू बतानी है भावेश मैग्नेट नहीं लगा यहाँ यहां पर ना हाँ, हाँ ये अनस्टेबल इक्लिब्रियम है हाईएस्ट पॉइंट पर स्फीयर के बाहर वाले सरफेस पे पार्टिकल रखा है ना बाहर रख के छोड़ दिया है तो वो ऐसे गिर रहा है सॉल्व करें पांच मिनट ही बचा है क्लास का टाइम अब स्टार्टिंग में रेस्ट से छोड़ा गया है ना ये रेस्ट से छोड़ा गया स्टार्टिंग में कोई स्पीड नहीं है हाईएस्ट पॉइंट पे रख के हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया गया तो खुद ही गिरता जा रहा है हाँ कॉस थीटा इक्वल टू टू बाई थ्री आएगा दो क्वेश्चन में सेम आंसर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में ये आंसर आएगा वो बाय चांस आ जा रहा है ना देखो यहाँ पे क्या हुआ है इस क्वेश्चन में पहले ये यह यहाँ से यहाँ तक सर्कल में चला है ना यहाँ से यहाँ तक सर्कल में चढ़ा है फिर इसके बाद सर्कल छोड़ रहा है ना लास्ट पॉइंट पे सर्कल छोड़ रहा है अगर ये सर्कल को छोड़ रहा है स्पियर को छोड़ रहा है तो लास्ट पॉइंट पे स्पियर के साथ उसका कांटेक्ट क्या हो गया है अब अगर लास्ट पॉइंट पे स्पियर को छोड़ रहा है तो लास्ट पॉइंट पे स्पियर के साथ पार्टिकल का कांटेक्ट खत्म हो रहा है ना अगर लास्ट पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है तो नॉर्मल लगेगा कोई लास्ट पॉइंट पर लास्ट पॉइंट पे कोई नॉर्मल फोर्स होगा नहीं होगा ना और लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन तो हुआ है ना तो लास्ट पॉइंट पे सेंटीमीटर कौन देगा फिर ना लास्ट पॉइंट पर जाने के बाद इधर जो नॉर्मल था वो जीरो हो गया है ना स्पीड तो कुछ आ चुकी होगी इस पे इस पॉइंट पे जो भी स्पीड आई होगी उसके वजह से वो टेंजेंशियल जाएगा ना ना स्पीड की वजह से वो टेंजेंशियल अब आगे चला जाएगा आगे फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ना जैसे स्पीयर छोड़ेगा तो ये एंगल थीटा है तो एम का इधर कंपोनेंट ले लेंगे एम जी कॉस तो हम लास्ट पॉइंट के लिए ये मान लो पॉइंट पी पे यहाँ पे स्पीड कुछ वी है ना तो हम बोलेंगे ये पॉइंट मान लो कुछ ये इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट बोल देते ना इनिशियल और फाइनल तो फाइनल पॉइंट पे सेंटीपिटल है एम कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर स्पीयर का रेडियस कुछ आर मान लो तो एक तो लास्ट पॉइंट की सेंटीपिटल की इक्वेशन हो गई और दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन स्मूथ स्पीयर है ना तो एनर्जी तो कंजर्व होगी तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व कर दो एनर्जी कंजर्व करेंगे तो क्या होगा काइनेटिक पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक कितनी हो रखी है जीरो रेस्ट से छोड़ा गया है ना और पोटेंशियल कितनी है रिफरेंस कहीं पे भी मान लो रिफरेंस हम मान लेते हैं सेंटर पे है सेंटर वाले लेवल पे मान लिया रेफरेंस तो शुरू में हाइट कितनी हो रखी है इसकी आर ना शुरू में हाइट आर है तो एम पोटेंशियल है फाइनल यहाँ पे काइनेटिक कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल कितनी अब ये हाइट ये वाली लोगे ना ये वाली ये हाइट कितनी आएगी ये अगर आर है तो ये हाइट आएगी आर कॉस्ट थीटा तो फाइनल पोटेंशियल हो गया एम जी आर कॉस्ट एम जी आर को इस साइड ले आओ तो एम जी आर कॉमन हो जाएगा वन माइनस कॉस्ट थीटा ये बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर टू को इधर कर दो आर को इधर तो ये हो जाएगा टू एम जी वन माइनस कॉस्ट हीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर अब एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू नहीं यहाँ आर इधर किया, आए टू इधर किया, आए यहां से डाल दो नहीं ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है दोनों इक्वेशन से एम वी स्क्वायर बाई आर को इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा टू एम जी वन माइनस कॉस्ट हीटा इक्वल टू एम जी कॉस्ट हीटा एम जी एम जी कट गया आ जाएगा टू इक्वल टू थ्री कॉस थीटा तो फिर कॉस थीटा आ गया टू बाई थ्री ठीक है सबको समझ आया क्या क्या हुआ यहां पर जहां पे भी सर्कल छूट रहा होगा ना वहां पे हमेशा ध्यान रखो एक इनर्जी कंजर्वेशन लगा दो और दूसरा लास्ट पॉइंट के लिए सेंटीपेटर की इक्वेशन तो अब अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हाँ इजी है इजी है ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है पहली बार थोड़ा समझने में थोड़ा लगता है हाँ सेम ही था लगभग ये तो अब देखो होमवर्क में एक तो एक्सरसाइज वन कंप्लीट कर लेना है आपको अभी नहीं बाय अभी दो मिनट को और भावेश इसमें क्या है देख ना ये ऐसे गिर रहा है तो लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन हुआ है ना तो लास्ट पॉइंट पे सेंटिपिटल कौन देगा ये यहाँ पे देख सर बोल रहा है स्पीयर को कि यहाँ पे छोड़ रहा है स्पीयर को अगर स्पीयर को छोड़ रहा है तो क्या स्पीयर को प्रेस करेगा वो नॉर्मल जीरो हो जाएगा ना अगर वो प्रेस नहीं करेगा नॉर्मल क्या रहता है कितना स्ट्रोंगली सरफेस को प्रेस किया जा रहा है ना तो अगर फोर्स है तो इस पॉइंट तक सर्कुलर होगा ना लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर यहां पे छोड़ रहा है है तो इस पॉइंट तक सर्कुलर हुआ है ना इसके आगे फिर वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला जाएगा तो जहां तक सर्कुलर हुआ है उस पॉइंट तक तो सेंटिपिटल की इक्वेशन लिखोगे ना तो लास्ट पॉइंट की सेंटिपिटल कौन देगा एम का कंपोनेंट क्योंकि लास्ट पॉइंट पर वो स्पियर को छोड़ दिया है ना Spear को जस्ट छोड़ दिया है जस्ट छोड़ा है तो वहां पे नॉर्मल जीरो हो चुका है लास्ट पॉइंट के पहले नॉर्मल था ना नॉर्मल की वैल्यू जीरो थे थोड़ा ज्यादा रही होगी, उसके और आगे जाओगे और ज्यादा नॉर्मल रहोगा ऐसे बढ़ता गया होगा नॉर्मल यहां आते आते नॉर्मल कम होकर जीरो हो गया है जैसे यहां पे देखोगे इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे कौन कौन से लोग सेंटिपिटल दे रहे होंगे नॉर्मल का कंपोनेंट एक तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा और एम नीचे लग रहा होगा एम का इधर वाला कंपोनेंट इन दोनों का नेट सेंटिपिटल दे रहा होगा इधर कोई जगह पर सेंटिपिटल कौन कौन देगा एम का इधर कंपोनेंट और एन का नेट जो होगा ना लास्ट पॉइंट पे अगर आपने बोला कि सरफेस अब छोड़ रहा है तो मतलब कांटेक्ट खत्म हो रहा है ना तो नॉर्मल जीरो कर दोगे लेकिन सेंटिपिटल तो होगा ना लास्ट पॉइंट तक सर्कुलर मोशन हुआ है तो इसलिए लास्ट पॉइंट पे सेंटिपिटल की इक्वेशन लिख दो और इनर्जी कंजर्वेशन होमवर्क अब दे रहा हूं होमवर्क में जो भी बचे हुए इलुस्ट्रेशन है छुट्टियां तो तुम लोगों को मैंने बहुत ज्यादा दे दी है तुम लोग को मजे ही आ गए अब तो कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम लोग छुट्टियां मिल सकती हैं हाँ छुट्टियां दस दिन दे दी हैं तेरह से बाईस तक जिनका भी जो भी बैकलॉग वगैरह है सब अच्छे से कंप्लीट कर लेना ना दस दिन देने का यही पर्पज है कि बीच में तुम लोग को एक छुट्टी मिलती थी जब बैच शुरू होता था कुछ दिन बाद वो भी नहीं दी गई थी इस बार तो इसलिए एक साथ ही दे दे रहे हैं दस दिन की थर्टीन से ट्वेंटी टू तक है भावेश इसलिए छुट्टियां नहीं मिल रही है कि रोज एक मूवी देखेगा एक दो देख ले बट ज्यादा मत देख पढ़ाई करना है बैकलॉग करना है अपना दिवाली आठ को नहीं है भाई किस दुनिया में चल रहा है दिवाली कब है दिवाली फोर्टीन को है ना अबे भावेश पता नहीं किस दुनिया में चल रहा है इलुस्ट्रेशन ट्वेंटी टू से लेकर के जो भी इलुस्ट्रेशन बचे रह गए हैं ट्वेंटी फाइव तक हैं बचे हुए नहीं, 22 से ट्वेंटी फाइव फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज फाइव कंप्लीट इंटेक्स ये कौन सा है फोर हाँ इंटेक्स फोर सॉरी ये भावेश बातों में आके ना मैं भी कुछ भी लिख दे रहा हूं फिर एक्सरसाइज वन में फोर्टी से फोर्टी सेवन एक्सरसाइज वन फोर्टी से फोर्टी सेवन अबे कौन सी ताकत की बात कर रहा है क्या हो गया तो ये कंप्लीट कर लेना नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले डाउट डिस्कस करेंगे हाँ से देश, जहां पे भी सर्कल छूट रहा होगा वहां वही लगाना है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अमन तो फ्रस्ट्रेट हो गया कितनी बार बताई जाएगी बातें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क पहले डिस्कस करेंगे और फिर सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो होमवर्क कर लेना कंप्लीट ना ठीक है फिर तो फिर बाय बाय